तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? होप यू ऑल आर वेल। काफ़ी दिनों से वीडियो लेक्चर नहीं आ रही थी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा था यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे काम लोड पड़ने की वजह से हम अपना खुद का काम नहीं कर पा रहे। तो आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक पे, और इस टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर और एलिगेशंस के क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद है और कैसे हमको इनको सॉल्व करना है। मिक्सचर और एलिगेशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? देखो, मैथमेटिक्स जो है ना, ड्राइंग नहीं होती है, मैथमेटिक्स एक स्किल होती है। तो ये मिक्सचर कैसे लिखा है, एलिगेशन कैसे लिखा है, फालतू का कमेंटबाजी नहीं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन जो है वो तुम्हें दिखा रहा होगा, ठीक है? मैं सॉल्यूशन को देखता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सॉल्यूशन को दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, इफ द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 15 kg, एवरेज वेट ऑफ अ क्लास क्या है, 15 kg, एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 kg, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास व्हेन द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास इज 25 kg। मिक्सचर एलिगेशन का जानते हो ना क्या सिस्टम है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बीच में इन दोनों का एवरेज, और लास्ट में रिजल्ट। ये इसको समझ जाओ, ये क्या चीज है। यहां पे कोई वैल्यू दी रहेगी, यहां पे कोई वैल्यू दी रहेगी, इन दोनों का एवरेज होगा, और इसमें से एवरेज में से वैल्यू का रिजल्ट होगा। यहां पे रिजल्ट होगा, यहां पे रिजल्ट होगा, मतलब इससे माइनस किया यहाँ पे, इससे माइनस किया यहाँ पे, तो एक चीज बड़ी होगी, ठीक है? ये जो वैल्यू होगा वो एक से छोटा होगा, ठीक है, और एक से बड़ा होगा। ऐसा हमेशा होगा मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है? इस चीज को समझो, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है? थोड़ा सा जब लाइट टूट जाता है तो फिर उसको बाउंस बैक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ओह वाह, दो वैल्यू दी रहेगी, उसका एवरेज दिया होगा, रिजल्ट फाइनल होगा, ठीक है? इसी के तर्ज पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, और देखते हैं। इससे तो बेकार होता नहीं है, इसे मिटाते रहो। क्लास इज 15 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 kg। अच्छा, ठीक है, क्लास ए का एवरेज वेट है 15 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ क्लास अनदर क्लास इज 30 kg, और क्लास बी का एवरेज वेट है 30 kg। देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास और अनदर क्लास का रेशियो बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। इफ व्हेन द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास इज 25 kg, एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास मतलब इसका और इसका एवरेज वेट है 25 kg। तो तुमसे बोला है रेशियो बताओ क्लास ए के स्टूडेंट्स का और क्लास बी के स्टूडेंट्स का। कैसे करोगे भैया जी, बहनी जी, कैसे कैसे आएगा? RRB, NTPC, RRB, ALP, RRB, JEE, IBPS, बैंक में मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन कैसे होंगे? कॉन्सेप्ट्स पे होंगे। तो क्या करना है, क्लास ए में 15 kg, क्लास बी का एवरेज 30 kg, बोथ क्लास कम्बाइंड 25 kg, देन फाइंड द फर्स्ट क्लास, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास to another class, then find the ratio of student of first class to another class, class, Henry Classen। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखो एवरेज जो है वो 30 से बड़ा है, मतलब 15 से छोटा है। एवरेज जो है वो 30 से बड़ा है और 15 से छोटा है, तो let's माइनस 30 माइनस 25, 5, एंड 25 माइनस 15, 10, रेशियो निकालो 1:2।
क्लियर, हमसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्लास क्या है रेशियो 1, सेकंड क्लास का क्या रेशियो है 2, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट क्लास 1:2, ये क्या दिया है 1:2, ये नहीं कर रहा है कि फर्स्ट क्लास में एक बच्चा है और अनदर क्लास में 1, उस वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स, मेरा भाई, इसका रेशियो दिया है, ये वैल्यू नहीं है 1:2। इसी तरह एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशंस की यही रूल है, इसी फंडामेंटल पे क्वेश्चन लगाते हैं। भाई देखो यार, जितने लोग वनडे एग्जाम दे रहे हो ना, एसएससी जी छोड़ के जितने लोग दे रहे हो, फालतू के बड़े लेवल क्वेश्चन ना लाना, बहुत मिनिमम टाइम मिलता है 60 मिनट में तुमको 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लगाने, तुम बड़े क्वेश्चन क्यों लगा रहे हो यार, बड़े क्वेश्चन फालतू के लगा रहे हो, 60 मिनट में तुमको 100 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट में 90 क्वेश्चन करने हैं, इसका मतलब क्वेश्चन देखते होंगे, तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही बिजी क्वेश्चन आएंगे जिसको तुमको लगेगा बहुत तोप है और वो निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से, ठीक है। और आओ देखते हैं क्वेश्चन, जब एसएससी का क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे ये लेवल एसएससी का है, ठीक है, ये आओ, ये बेसिक है। हाँ, जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्लीज बेसिक को तो जरूर समझे, ये बेसिक है, बेसिक नहीं आएगा तो तोप कैसे आएगा, तोप कैसे कराओगे। दूसरा क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ गर्ल इज 15, एवरेज वेट ऑफ गर्ल इज 15, एवरेज वेट ऑफ गर्ल इज 15, हम हटा देते हैं मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज वेट ऑफ गर्ल इज 15, एवरेज वेट ऑफ गर्ल इज 15, गर्ल का एवरेज वेट कितना है 15, एवरेज वेट ऑफ गर्ल कितना है 15, एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉय इज 13, एवरेज वेट ऑफ बॉय इज 13, एवरेज वेट ऑफ बॉय इज 12, नंबर ऑफ बॉय कितना दिया है 12, तो नंबर ऑफ गर्ल पूछा हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल पूछा हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल पूछा है, कैसे करेंगे ये बॉय बोला है, बॉय का एवरेज वेट 30, गर्ल का एवरेज वेट 15, बोथ कंबाइंड 25, अगर क्लास में 12 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं बताना है, तो 25 देखो 30 बड़ा है 15 छोटा है, इसका मतलब मिक्सचर एलिगेशन का बेस्ट मेथड है, इससे निकाल सकते हैं 30 में से 25 गया 5, अब 25 में से 15 गया 2, और इसका रेशियो निकाला तो 1, इसका रेशियो निकाला तो 2, अब देखो यहाँ देखते हैं, अब सुनो जो इससे पहला क्वेश्चन कराया है वहां पे क्या लिखा था, आंसर क्या आया था देखोगे तो 1:2, मतलब वो वैल्यू नहीं थी, वो बस बता रहा था कि उस क्लास में इतने रेशियो में, इतने अनुपात में लड़की हैं, इतने अनुपात में लड़के हैं, मतलब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है कि एक क्लास में 12 वो लड़के हैं, ठीक है, तो लड़कियां कितनी है, तो यहाँ पे देखो अब उसकी यहाँ पे क्या दिया है रेशियो दिया है 1:2, वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एक्सटेंड किया, क्वेश्चन का लेवल एक्सटेंड किया, अब 1:2 दिया हुआ है, तुमसे पूछा नंबर ऑफ गर्ल कितना है, तुम यहाँ भी रुक जाते रेशियो पे, मतलब तुमसे रेशियो नहीं पूछा था क्योंकि इस बार दिया है क्लास में 12 को बच्चे हैं, तो इस बार बोला है तुमसे, ठीक है, माय बॉय, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा, अगर ये 2 है तो ये रेशियो दिया है और ये 12 है तो ये वैल्यू दी हुई है, माय बॉय वैल्यू दी हुई है, वैल्यू वैल्यू, तो 2 को 2 किसके बराबर है, अगर 2 12 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 12/2 काटोगे जीरो के, जीरो के 6 आएगा, और जब जीरो के तो 6 आएगा, 1 6 के बराबर है तो यहाँ 1 किसके बराबर होगा, ये होगा 6 के बराबर, और उस स्कूल में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 6 है, उस क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 6 है, यही है कॉन्सेप्ट, यही है कॉन्सेप्ट।
ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन टू, ये हो गया क्वेश्चन टू, और वीडियो लेक्चर भी हो गया 10 मिनट का, ठीक है। 10 मिनट कहीं से करता हूँ, थोड़ा सा मुझे दिक्कत होने लगती है प्रोग्राम में, नहीं तो मैं बनाने को बनाऊँ क्यों नहीं यार। मुझे जितना पढ़ाने में मजा आता ना, तो दुनिया की किसी चीज में मजा नहीं है, किसी चीज में मजा नहीं है। आज इस वीडियो लेक्चर में यही रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे, और मिक्सचर पे हमें लगता है तकरीबन 5-6 लेक्चर लूंगा, और उसमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दूंगा। इससे पहले भी मैंने मिक्सचर के लेक्चर लिए हुए हैं, हालांकि ठीक है वो भी कॉन्सेप्ट्स में हैं, इसके भी कोर कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस हुई। और सच बताऊँ मेरा जी लग रहा है, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, और वो भी एक्चुअलिटी चीज, मतलब ये नहीं कि फालतू का वीडियो बना रहे हैं बतिया रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम भी चलते हैं, हमारा भी टाइम हो गया यूनिवर्सिटी, और फिर मिलते हैं आपसे शाम।